बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे हमारे बच्चे। कल हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किए थे, उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना सिखा दिए थे। आज हम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, यानी हम लोग आज पूरी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंप्लीट कर लेंगे। किस तरह का क्वेश्चन आता है ऊपर में एडिंग दे दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप शांत रहेंगे आप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका हिंदी नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्म दर्शी। एक था आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, लेकिन सिंपल में कितना था? एक। पहली बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिफाइन कर लो, यहां पर देख लो कंपाउंड को अगर लिख लिए तो फिर से रिवीजन देख लिया पूरा कंप्लीट करवा देते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। क्या बात करते तू? टू कॉन्वेक्स लेंस जिसका नाम है डाटा ऑब्जेक्टिव लेंस। पहला का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। दूसरी बात हमारे पास दो लेंस जो ऑब्जेक्टिव है ये भी कॉन्वेक्स है और आईपीस है वो भी क्या है? कॉन्वेक्स है। इसकी फोकल लेंथ कम और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। लिख लो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल बट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इज लार्ज। आईपीस लेंस इज लार्ज। अप्रोच हमने बोला था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और एपिस हो गया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तीसरी बात हमारे पास लेंस कितने? तो इमेज भी दो बनेगा। लेंस दो तो इमेज भी दो। यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा रियल इमेज बनेगा और आईपीस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनेगा। याद रखना है हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस है, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम है आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा रियल इमेज और आईपीस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो ध्यान रखना है इसको। पॉइंटिंग लास्ट में है रियल इमेज इज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय आईपीस लेंस। समझ में आ गया होगा? इतना तक हमने आपको लिखवा दिया था, इसको नोट कर लें।
जो बच्चे नहीं आए थे बात नहीं करें, कोई पूछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इमेज किस लेंस के द्वारा बनता है और ऑब्जेक्टिव के द्वारा किसका फोकल लेंस ज्यादा होता है, आई पीस का और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस छोटा, कितने लेंस होते हैं? तो अब इसका थोड़ी सी मेहनत आपको करना है रे डायग्राम में, रे डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है देखोगे और मन को शांत करके देखोगे, जब दो बार तीन बार बनाओगे अपने आप डायग्राम भी क्या हो जाएगा अच्छा बन जाएगा। एक बार हमारे बच्चे यहां से ध्यान दे दें, यहां नीचे देखो लिखो रे डायग्राम, सबसे पहले आप एक ये हमारा ग्लास ट्यूब बहुत पतला पाइप है, इस पाइप पे सेट किया हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक छोटा सा ये आपको कम फोकस दूरी का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ध्यान दीजिएगा वह यहां ध्यान दो, ये हमारा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस LO, एल से लेंस ओ से और इसके सामने में ये वस्तु रखा हुआ है, ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु का नाम है ए बी, पहले कुछ गल गए देख ले सर कैसे बना डायग्राम में फंस जाओगे, तो फंसना नहीं है, इसका आजकल सेंटर ये है पी मान लो या ओ मान लो, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ओ मान लो, इसका इमेज बनाना है तो रिंगर बनेगा, देखो ऐसे लाइट गया और यहां पे आया एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ और यहां दोनों दूसरे से मिला, ये बन गया आपका रियल इमेज, ए बी है ए वन ए डैश बी डैश बना इमेज, किसी किसी बैच में ए वन बी वन कर दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसको ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, मशीन में इसको ले जाओ हल्का इतना तक, आप इतना तक पहले बनाइए, हाँ बनाइए बड़ा तो हमारे बच्चे देखे ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, बोला ये लेंस है, ये लेंस वस्तु के समीप में है ऑब्जेक्ट के नजदीक में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस यहां होगा इस लेंस के नजदीक में आंख होगा, इसलिए इस लेंस का नाम पड़ेगा आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस, क्योंकि नेत्र नेत्र माने आंख नजदीक में है। तो हमारे बच्चे यहां से देखे इस वस्तु की दूरी U नॉट, U माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O माने ऑब्जेक्टिव लेंस, सांस सुनिए क्यों देते हैं नाम, U माने वस्तु की दूरी किस लेंस के लिए, चलो इसका इमेज कहां बना, ये गौर से देखो ये इमेज बना है, देखो यहां से लेंस से इस इमेज की दूरी V नॉट, समझ में आ रहा है, देखो दिखाइए बी नॉट यू नॉट बी नॉट, लेंस से वस्तु की दूरी यू नॉट, लेंस से इमेज की दूरी बी नॉट, बी माने इमेज डिस्टेंस, ओ माने ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किसी को कोई कंफ्यूजन है, आप देखिए यहां पर एक आप यहां देखो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे एक आईपीस लेंस बनाना, आपको देखो जा
ये हमारा आईपीस लेंस है। ध्यान से सुनिएगा, फिगर देखिए कैसे बन रहा है। ये एलई, ये लेंस, ये लाइट जो है ऐसे जाएगा इस लेंस में और ये भी जाएगा इस लेंस में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फिर लाइट इसमें जाने के बाद ये लाइट इधर भागेगा। अब इसका ये बिंदु ई मान लो, क्योंकि आईपीस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान लिए, ई। अब इमेज बनाने का तरीका बता रहा हूं कैसे बनेगा। पहले इतना तक आप भी चलिए, इतना बना लिए और यहां पर ई दे दिए। अब देखो इमेज इसी सीध में बनेगा, बउआ इधर देख लो। इस ई को बात नहीं करना, इस ई को और बी डैश को ऐसे मिलाते हुए डॉट खींचना है। इसको देखिएगा, इसको इससे मिला दो। यहां पे कोशिश करो मिलाने का। और ये आपका देखो, इस ये लाइट जो ये लाइट ऐसे गया और ये लाइट ऐसे गया, ये हमारी आंखें हैं। यहां पे आपका इमेज बन गया, देख लो ये हमारा वर्चुअल इमेज बना। ये इमेज हमारा क्या बना, और इस वर्चुअल इमेज का नाम दे दो ए डबल डैश बी डबल डैश। बात नहीं कीजिएगा, इस वर्चुअल इमेज का नाम हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और इस एंगल को आप बीटा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो। चला मैं तो भी बता रहा हूं, इतना तक पढ़ाइए आप। बीटा बनाई, समझ जाएंगे तो टेलीस्कोप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी पर सेम उसमें भी दो लेंस है, बस अंतर है कि अभी जो देख रहे हो शुरू में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कम है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस कम और आईपीस का फोकस लेंस ज्यादा। लेकिन उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस ज्यादा और आईपीस का फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो घबराओगे नहीं, आराम से बन जाएगा। कितना बना है ये देखो, फाइनल इमेज कितना बना रहा है, अभी बीटा दिखाई, बीटा दिखाइए, हो गया। बीटा किसके द्वारा बना, फाइनल इमेज के द्वारा, ठीक है ना। अब सुन लो, हम लोग जो मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं उसमें ये मान लें कि ये जो फाइनल इमेज बना वो इस लेंस से यानी कि आंख से डी दूरी पे बना है, 25 सेंटीमीटर पे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका क्या है, फिर से समझ लो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इस लेंस का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां से देखो, यहां से यहां तक की दूरी यू माने ऑब्जेक्ट की दूरी, आई पी से तो ई, कोई दिक्कत है। और देखो इसका इमेज ये है, यहां से यहां तक की दूरी भी हो जाएगा, भी ई बराबर डी, कोई दिक्कत है तो बोलो, नॉट का लॉस में।
बीई बराबर डी, भी माने हो गया इमेज की दूरी और ई माने आईपीस लेंस के लिए। हमने इस सवाल में माना है कि ये जो इमेज बना है कितनी दूरी पे, डी दूरी पे। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। हमारे लिए याद रखना है ए बी इस लेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इस लेंस के लिए इमेज। तो नीचे में लिख लो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वहां से देखिए इधर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारे बच्चे याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हुआ होगा ना, और ए डैश बी डैश इमेज हो गया। चलो आईपीस लेंस के लिए देखो ये जो बन गया ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट हो गया और ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हो गया। हमारे बच्चों को समझ में आ गया बात, सिस्टम से आपको अभी लिखाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा इमेज आपका फिगर बन गया ना तो आपको क्लियर हो गया पूरा। इस फिगर में सवाल में हमने मान लिया कि फाइनल इमेज कहां बना है, डी दूरी पर। फाइनल इमेज ये जो है फाइनल इमेज कितनी दूरी पे, डी दूरी पे। यहां पर पॉइंट जोड़ लें, सपोज फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, आप नीचे लिखते चले गए ना, इज फॉर्म एट कितनी दूरी पे, एट डिस्टेंस डी पे, डी माने 25 सीएम पे बना है। हमें निकालना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। अब हम यहां पर लिख देते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का क्या परिभाषा है, एंगल मेड बाय, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर बीटा बाय अल्फा, और ये क्या है एंगल मेड बाय इमेज बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कितनी दूरी पे, इट इज एट डी डिस्टेंस, कैपिटल डी है ना, डी डिस्टेंस पे नियर पॉइंट पे। मैग्नीफाइंग यही पे आपका पूछता है बार बार बोर्ड में कि मैग्नीफाइंग इस पे एमसीक्यू भी रहेगा, एम बराबर बीटा बाई अल्फा। इतनी बात समझ में आ गया, बीटा क्या है एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा क्या है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट। अब याद करो माइक्रोस्कोप में जो देखा जाता है वस्तु वो छोटा छोटा होता है ना, तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा अल्फा बीटा वो भी बहुत क्या होगा, तो यहां पे 10 लगा दो, कल भी लगाए थे
आगे देखो m बराबर बीटा में टेन बीटा बाय टेन अल्फा, यहां लिख चुकी अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, इतना चले, इसमें टेन लगा दे, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब ब्रैकेट में देते दो लाइन में प्रूफ हो जाता है, बस मेनली आपको समझना फिगर को, ज्यादा झंझट नहीं है। आप देखो वो अब बीटा का वैल्यू देखो फिगर में, देखो यहां पर मेन बात है टेन बीटा लंब बट्टा था, यहां देखिए लंब बट्टा था लंब आया था, हम टेन बीटा में यहां देखो ई ए वन सॉरी ए डैश बी डैश, यहां पर बोलेगा बात नहीं कर रहे, यहां पर ए डैश बी डैश बट्टे ई ए वन या ए डैश ई लंबट आधार हुआ, आप किसका वैल्यू, इसमें अल्फा कहीं नहीं है, तो अल्फा होता क्या है, अल्फा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, यहां देखो डायग्राम पीछे में देता हूं बगल में, यहां देखो ऑब्जेक्ट की दूरी कितना बड़ा है ए बी, यह ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट होना चाहिए कितनी दूरी पे, अभी बोले ना ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस कितना पे डी पे, और ये जो एंगल बनाएगा वह कहलाएगा अल्फा। ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्ट को अगर आंख से डी दूरी पर रख दो, ऑब्जेक्ट को आंख से कितनी दूरी पर रख दो डी दूरी पर रख दो, तब जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वही होगा अल्फा। यहां पर हम टेन अल्फा का सूत्र दे दे सकते हैं ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी। ए बी बट्टा डी इतना नोट कर ले, और वो भी फिगर बगल में दिखा दे, ए बी बट्टा डी ए बी बट्टा डी चलो अब इसको देखो सजा दो, एम बराबर ए डैश बी डैश बट्टा ए बी इंटू ये जाएगा ऊपर कितना डी बाई ई ए डैश, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इतना लिख लो डी बट्टा ई ए डैश, अब इसका दो स्टेप है मान दो लाइन। अब एक बात हमारे बच्चे समझ ले, रफ में हमारा रफ समझ ले, यहां पे रफ काम समझ ले, आपने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था एच आई बाय एच ओ बराबर वी बाई यू, लेंस में यही ना पढ़ा था, रुक जाइए लेंस में क्या पढ़े तुम लोग एच आई बाय एच ओ बराबर वी बाई यू, एच आई कितना है फाइनल इमेज कितना है, यहां इसके लिए देखो इसके लिए ये क्या है एच आई कितना होगा ए डैश एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बट्टा ए बी बराबर वी बाई यू, लिख सकते कि नहीं, यानी हम लोग ए डैश बी डैश फिगर में देखो ए डैश बी डैश बट्टा ए बी के साथ हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बट्टा यू नॉट, यहां देखो वी बाई यू है ना जी, वी कितना है वी नॉट यू कितना है, यानी हम लोग ए डैश बी डैश बाई ए बी को हटा करके V नॉट बाय U नॉट, फिर से समझ लो आप ये हमारा फॉर्मूला, इस लेंस के लिए देखो इस लेंस का इमेज क्या है
हाई टॉप इमेज में ए डैश बी डैश, हाई टॉप ऑब्जेक्ट में ए बी, वी माने इमेज का डिस्टेंस, वी नॉट, समझ में आ गया होगा। आप देखिए इधर गौर से देखना है, वी नॉट इस लेंस से दाई हो रहा है कि बाई हो, ये तो प्लस में हो जाएगा और यू नॉट किधर है। तो अब हमारे बच्चे यहां देखें, इसको अगर हम हटा दें यहां हो जाएगा प्लस वी नॉट, इसका हो जाएगा माइनस यू नॉट। अच्छा डी हमारा देखो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए डी इधर है ना, इस लेंस के लिए डी इधर है तो माइनस डी, और ई ए डैश यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यूई, ये भी बाई ओर है माइनस यूई। देख फिगर देख करके यहां से नहीं पता चले ई ए डैश यूई माइनस माइनस कैंसिल, यहां आ गया माइनस वी नॉट बट्टा यू नॉट डी वाई यूई। आपने कल पढ़ा था सिंपल में डी वाई यू का सूत्र बनाया था वन प्लस डी वाई एफ निकाले थे ना, तो डी वाई यूई को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी वाई एफ ए। इसको नोट कर लें, वन प्लस डी बाई एफ ई, ये मैग्निफाइंग पावर कब होगा जब इमेज कितनी दूरी पे बना है लिस्ट डिस्टेंस डी दूरी पे, तभी ये प्रूफ होगा। देखो नीचे में यहां पर डी ई बराबर डी दिए हो, और यहां पर ध्यान से देखेंगे आपको यहां तक प्रूफ करना है, एग्जाम में पूछेगा। यहां पर एक शर्त दो नोट इंपोर्टेंट आते हैं, नोट फर्स्ट में आएगा व्हेन फाइनल इमेज इज फ्रॉम एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ, तब देखो मैग्निफाइंग पावर का फॉर्मूला माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। और दूसरा आएगा नोट में जब फाइनल इमेज इंफिनाइट पे बना था, कल मैंने लिखाया था दो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, ये किस माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड के माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला ही कंपाउंड के लिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी तब एम का वैल्यू कितना होगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू सी डी वाई एफ, क्या हो जाएगा ये भी किसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ले, फोर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला। तो सिंपल में आपने देखा था कि सीधे था वन प्लस डी वाई एफ ई, यहां ये नहीं था और ये हो गया इंफिनिटी के लिए, लेकिन कंपाउंड में पीछे में ये लग जाता है। इस तरह से कंपाउंड की कहानी खत्म हो जाती है। बोर्ड मॉडल लगा दो इसमें, ऊपर में बीएम लगा दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2023 के लिए। हमारे बच्चे एक और इंपॉर्टेंट दो नोट्स के बाद एक तीसरा नोट्स है यहां पे, तीन तो नोट है। अब देखिए अब अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्निफाइंग पावर घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली का संबंध है, किसी का भी सिंपल का भी कंपाउंड का भी। तो नोट है ये,
इंपा होकल इज इंक्रीज देन क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज डिक्रीज्ड। समझ में आया क्यों डिक्रीज इंक्रीज हुआ? समझ में आया? इन वैसले का संबंध आ रहा है, देखो छोटा सा नीचे में है ना, तो एपर और एपर डिक्रीज होगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। ये भी बोर्ड में आ चुका है, फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर में रिलेशन। तो फोकल लेंथ अगर बढ़ता है तो मैग्नीफाइंग पावर घटेगा, और फोकल लेंथ घटता है तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है। इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्लास खत्म होती है थ्योरी का। अब आपको दो क्वेश्चन बच गया है, टेलीस्कोप एंड हाइगेंस, ठीक है, उसकी क्लास फिर अगले लाइव क्लास में होगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।